चलिए हम ले चलते हैं आज आपको झंडे जी साहिब, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है होली के 5 दिन बाद ये मेला लगता है, तो आज ये लगने वाला है। तो आज जैसे कि आपको पता है 12 मार्च है, तो आज के दिन अब ये झंडे जी का मेला, पहले झंडे जी उतरेंगे उसके बाद चढ़ेंगे। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये दर्शन गेट की तरफ से हम झंडे जी की तरफ जा रहे हैं। आप दुकानें देख सकते हो अभी लगी नहीं हैं, अभी तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी सारी संगतें यहां पर आ रखी हैं, संगतें जो कि यहां के पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से और हिमाचल प्रदेश से आती हैं, और इनमें इनकी बड़ी आस्था होती है। उनकी क्या खैर, देहरादून के जितने भी यहां के निवासी हैं उनकी भी इसमें बहुत आस्था रहती है। तो लेकिन आप देख सकते हो अभी भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जब झंडे जी चढ़ेंगे उस समय भीड़ में, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर चल रहा हूँ, तो मेरा चलना भी दूभर हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो मैं आपको दर्शन भी करा रहा हूँ इस क्षेत्र के आसपास जहाँ पर मेला स्टार्ट हो जाएगा, आज चढ़ने के बाद शाम तक शुरू हो जाएगा। तो अभी देख सकते हो आप यहाँ पर काफ़ी सारे लोग चल रहे हैं जो कि यहाँ पर 2 या 3 दिन पहले आए हैं। साथ साथ पुलिस की गश्त भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रशासन ने भी इसके लिए खूब तैयारी कर रखी है, क्योंकि कोई कहीं कोई गलत दुर्घटना ना हो जाए, उससे बचने के लिए भी पुलिस तैनात रहती है। चलिए अब हम चलते चलते झंडे जी की तरफ जा रहे हैं। चलिए अब हम झंडे जी की तरफ आ गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी संगतें या दर्शन विलासी लोग काफ़ी सारे आ रखे हैं झंडे जी को देखने के लिए, उसकी पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए। साथ साथ बहुत सारी मन्नतें भी होती हैं उसको मांगने के लिए, उस मन्नतों के साथ साथ यहाँ पर गिलाफ भी चढ़ता है, उसके साथ सनील का कपड़ा भी चढ़ता है, इसके लिए सालों तक की वेटिंग होती है, तब जाके नंबर आता है। देख सकते हो आप भीड़ बढ़ती जा रही है, ये बिल्कुल वही स्थल है जहाँ पर अब आप देख सकते हो यहाँ पर झंडे जी का दृश्य आप देख सकते हो, कम से कम 27 या 30 मीटर जो है साल का वृक्ष होता है उससे बनता है। तो आसपास की आप देख सकते हो दुकानें भी सज चुकी हैं जो कि बाहर के लोगों द्वारा लगाई गई हैं। ये बड़ी विहंगम या बड़ा मनोहारी दृश्य लग रहा है, हैंडमेड है ये। उसके आसपास की दुकानें साथ साथ आप देख सकते हो कुछ श्रद्धालु जो नहीं के निवासी हैं वो यहाँ पर फ्री में या आप अपनी श्रद्धा अनुसार लंगर भी करवाते हैं। तो आप देख सकते हो इन संगतों के लिए यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने भी यहाँ पर चाय और समोसा, सुबह का नाश्ता वो बंटवा रहे हैं, और धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो चलिए यहाँ पर भी यहाँ के निवासियों की भी ये यहाँ झंडे जी साहब के लिए एक श्रद्धा है कि जो बाहर के संगतें आती हैं उनकी सेवा करना। चलिए उसके साथ साथ अब जैसे जैसे ये भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि झंडे जी चढ़ते रहेंगे, उसके बाद हम आगे का जो विस्तार है हम इसको विस्तारपूर्वक आपको आगे के बारे में बताएंगे, जब झंडे जी चढ़ेंगे या उतरेंगे या रात को हम आपको मिलेंगे। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक